हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? माय नेम इज आशीष गुप्ता, आप देख रहे हैं इजी टेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आरबीआई के द्वारा कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इशू किया गया है एनपीए को लेकर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इशू किया गया है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम यही समझेंगे कि क्या नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। लेकिन सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये समझ लेना जरूरी है कि एनपीए क्या होता है। फ्रेंड्स, नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर किसी भी लोन की कोई इंस्टॉलमेंट 90 दिन तक पे नहीं की जाती है, 90 डेज तक अगर पेमेंट नहीं की जाएगी तो उस अकाउंट को एनपीए मान लिया जाएगा। ठीक है, चलो दूसरी चीज फ्रेंड्स, आरबीआई ने 27 मार्च 2020 को एक प्रेस रिलीज की थी, एक नोटिफिकेशन इशू किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि हम 3 मंथ्स का मोरेटोरियम पीरियड दे रहे हैं, मतलब कि आपको मार्च अप्रैल मई की किस्त पे नहीं करनी, ये किस्त आप डेफर कर सकते हो, हम इसे बाद के किस्तों में ले लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, आप उसे भी देख सकते हो अगर आप चाहे तो। अब हुआ क्या फ्रेंड्स, मैंने कहा कि एनपीए किसी भी अकाउंट को तब मान लिया जाएगा कि अगर 90 दिन तक उसकी पेमेंट ना की जाए। अब मान लीजिए फ्रेंड्स कोई अकाउंट टर्म लोन है आपका, उसकी किस्त ड्यू थी 19 फरवरी को ड्यू थी, लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, तो अब 29 फरवरी को 10 दिन तक आपने उसकी किस्त पे नहीं करी, 29 फरवरी को वो अकाउंट अभी भी स्टैंडर्ड है क्योंकि 90 दिन तो पूरे हुए नहीं। और मान लीजिए क्योंकि अभी आपने मोरेटोरियम पीरियड के लिए अप्लाई कर दिया, आपने बैंक में अप्लाई कर दिया कि हम मार्च अप्रैल मई की किस्त पे नहीं करना चाहते, हम इसे बाद में पे करना चाहते हैं, तो क्योंकि अब 90 दिन से एक्सीड हो गया, क्या आपका अकाउंट 1 जून को एनपीए मान लिया जाएगा? तो इसी के रिगार्डिंग इन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई अकाउंट 29 फरवरी को स्टैंडर्ड कैटेगरी में मतलब कि वो अकाउंट एनपीए नहीं हुआ, तो बेशक उस अकाउंट में डिफॉल्ट क्यों ना, मान लो मैंने अभी एग्जांपल लिया 10 दिन का डिफॉल्ट था, जैसे मान लीजिए उन अकाउंट में डिफॉल्ट भी क्यों ना हो, तो भी जो हमने अगर एनपीए का 90 डेज का पीरियड कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम मार्च अप्रैल और मई का पीरियड कंसिडर नहीं करेंगे, तो जैसे फ्रेंड्स मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था, तो 10 दिन तो फरवरी के काउंट कर लिए जाएंगे और 80 दिन जो काउंट किए जाएंगे वो 1 जून से काउंट किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद भी अगर पेमेंट नहीं होती है तब उस अकाउंट को एनपीए कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, मैंने अभी आप लाइनिंग पे जोर दिया था कि 29 फरवरी को जो अकाउंट स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, बेशक वे ओवरड्यू क्यों ना हो, उनके लिए इन 3 महीनों का बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए फ्रेंड्स कोई अकाउंट सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में था और आप देखते हो कि उसे डाउटफुल कैटेगरी में है या नहीं आया वो, तो उसके लिए इन 3 महीनों के पीरियड को कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब कि इन 3 महीनों का पीरियड का भी बेनिफिट उसे नहीं मिलेगा, उसको इंक्लूड किया जाएगा, उस पीरियड को मार्च अप्रैल और मई के पीरियड को कंसिडर किया जाएगा अगर हम सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल कैटेगरी में किसी अकाउंट को लाना चाहते हैं तो। ठीक है, इसी तरह फ्रेंड्स अगर कोई पर्सन, और फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ये 3 महीनों का बेनिफिट है ये तभी मिल रहा है जब बोरोअर बैंक में एप्लीकेशन फाइल कर रहा है कि मैं इन 3 महीनों की ईएमआई नहीं देना चाहता, मैं इसे फ्यूचर के लिए डेफर करना चाहता हूं। ये चीज क्लियर होगी फ्रेंड्स। अब आरबीआई ने क्या कहा कि जो स्ट्रेस मेंशन अकाउंट होते हैं ना, स्ट्रेस्ड अकाउंट्स जो इन्होंने ऊपर भेजनी होती है मेल कि हमारे ये स्ट्रेस्ड अकाउंट्स, एनपीए नहीं हुए होते लेकिन स्ट्रेस्ड अकाउंट्स जिसमें कुछ दिनों का रिपेमेंट पीरियड का डिफॉल्ट होता है, तो मान लीजिए किसी बोरोअर ने अप्लाई कर रखा है इन 3 महीनों के मोरेटोरियम पीरियड के लिए, तो उधर भी इन स्ट्रेस्ड अकाउंट्स पे, इन स्ट्रेस्ड अकाउंट्स की कैलकुलेशन के लिए भी इन 3 महीनों का इंक्लूड नहीं किया जाएगा,
इन 3 महीनों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि 15 दिन अगर कोई अकाउंट ओवरड्यू है और ऊपर रिपोर्ट भेजनी है, ठीक है, और मान लो वो अकाउंट डिफॉल्ट हुआ था 25 फरवरी को, तो 4 दिन तो 29 फरवरी के हो गए, बाकी दिन जो काउंट किए जाएंगे वो काउंट किए जाएंगे 1 जून से। समझ आ गई फ्रेंड्स? चलो, मतलब आपको ये भी समझ आ गया कि एनपीए के लिए कौन सा पीरियड कंसीडर करना है, स्ट्रेस मेंशन अकाउंट्स के लिए कौन सा पीरियड कंसीडर करना है। चलो, अब आरबीआई ने एक और कहा है कि हम बिल्कुल कंजर्वेटिव होके चलेंगे, तो कहा कि जो अकाउंट्स ओवरड्यू हो गए हैं, ठीक है, मतलब जिन अकाउंट्स में डिफॉल्ट है 29 फरवरी में, तो उनके अगेंस्ट वो है तो स्टैंडर्ड ओवरड्यू है, लेकिन स्टैंडर्ड अकाउंट्स है, ओवरड्यू है, तो उनके अगेंस्ट हमें प्रोविजन बना के चलना पड़ेगा। कितना? 10% प्रोविजन, 10% प्रोविजन बनाना पड़ेगा। 5% तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा 31 मार्च वाले क्वार्टर में, और 5% प्रोविजन बनाना पड़ेगा 30 जून वाले क्वार्टर के लिए। समझ आ गए फ्रेंड्स? दोबारा बोलता हूं, जो अकाउंट्स ओवरड्यू है प्लस जो अकाउंट स्टैंडर्ड कैटेगरी में 29 फरवरी 2020 को, उन अकाउंट्स पे बैंकों को 10% प्रोविजन बनाना पड़ेगा। 5% तो 31 मार्च वाले क्वार्टर के लिए और 5% 30 जून वाले क्वार्टर के लिए। क्लियर? अच्छा, अब कोई भी बैंक की बैलेंस शीट लेगा तो उसे ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो आरबीआई ने कहा है ये सब चीज आपको नोट्स टू अकाउंट्स में लिखनी होगी कि कौन से अकाउंट हमारे ओवरड्यू थे 29 फरवरी को, लेकिन उन्हें मोरेटोरियम पीरियड का बेनिफिट मिला है इस वजह से वे एनपीए कैटेगरी में नहीं गए हैं, उनकी डिटेल। कौन से अकाउंट्स स्ट्रेस मेंशन अकाउंट्स में थे या आने चाहिए थे लेकिन इन्हें इन मोरेटोरियम पीरियड का बेनिफिट मिला है, ठीक है, तो वो SMA 1 में, मतलब SMA 2 में नहीं जा पाए, तो वो भी डिटेल देनी पड़ेगी इन्हें बैंकों को अपने नोट्स टू अकाउंट्स में। जो ये 5% प्रोविजन बनाएंगे 31 मार्च 2020 में, 30 जून 2020 में, उन्हें इसकी भी डिटेल नोट्स टू अकाउंट्स में देनी होगी, ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और बताओ, जो आपने हमें कहा कि ये 5% प्रोविजन बनाएंगे 31 मार्च वाले क्वार्टर में, 5% प्रोविजन बनाएंगे 30 जून वाले क्वार्टर में, मान लो बाद में वो अकाउंट एनपीए होता ही नहीं है, तो वो प्रोविजन कहां एडजस्ट किया जा सकेगा? इसके लिए भी आरबीआई ने क्लेरिफाई किया। आरबीआई ने कहा है कि जो ये प्रोविजन बनाया जाएगा 10%, मान लो फ्यूचर में अकाउंट्स एनपीए हो जाते हैं तो तब इस प्रोविजन को एडजस्ट कर लिया जाएगा। अगर ये अकाउंट नहीं होते, बाकी कोई और अकाउंट एनपीए होते हैं, तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लिए जाएंगे इन प्रोविजन को। और मान लो एनपीए होते ही नहीं है उतने और हमारे प्रोविजन बन गए ज्यादा, तो इनको रिटर्न बैक कर दिया जाएगा। क्लियर? समझ आ गए फ्रेंड्स? अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो ये प्रोविजन बनाए जाएंगे, ये बैंक की बैलेंस शीट में लोन्स में से रिड्यूस करके नहीं दिखाए जाएंगे, इन्हें अलग से प्रोविजंस की कैटेगरी में ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स? समझ आ गई? यही फ्रेंड्स आरबीआई ने कल की डेट में नोटिफिकेशन इशू करके क्लेरिफाई किया। अगर फिर भी फ्रेंड्स आपके लिए कोई डाउट है, आपके माइंड में कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, कोशिश करूंगा मैं उसे दूर कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।